नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कमिश्नर कार्यालय के सामने एक घंटे का सांकेतिक धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही गुजरात चुनाव को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुजरात चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया गया है वह पूरी तरह से गलत है। उनके एक कैंडिडेट को नामांकन से रोकने और उसके अपहरण का प्रयास किया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा इस पूरे मामले को खुद ही संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात चुनाव में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है और उन्हें कहीं निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा प्रजातंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियम और शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी रीवा के द्वारा एक घंटे का सांकेतिक धरने के पश्चात सम्माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र का जो चीरहरण किया जा रहा है और आयोग आंखें बंद करके जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय सम्माननीय कमिश्नर महोदय को। हम लोग की मांग है कि गुजरात चुनाव के दौरान जितने भी घटनाक्रम आप लोग के सामने आ रहे हैं, अभी आपने दो दिन पहले देखा होगा कि हमारे एक कैंडिडेट को नामांकन करने से किस तरह साजिश के तहत रोका गया। माननीय केजरीवाल जी ने एक दिन पहले जब संज्ञान लिया, फेसबुक मीडिया हर एक के द्वारा जब उन्होंने दिया कि हमारा कैंडिडेट लापता है 24 घंटे से, उसके बाद अचानक वो कैंडिडेट दूसरे दिन चुनाव आयोग के सामने हाजिर होता है, निर्वाचन कार्यालय के सामने, और वहाँ पर वो 150 पुलिस कर्मियों के बीच में घिर करके जाता है, अपना नामांकन वापस लेता है। उसे ना तो किसी से बात करने दिया जाता है, उसे ना किसी पदाधिकारी से मिलने दिया जाता है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, जो ये भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, उसके विरोध में रीवा आम आदमी पार्टी आज सांकेतिक धरने के पश्चात ज्ञापन सौंपेगी।